हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे अनुपमा की, जिसमें हमने देखा कि अनुपमा द्वारका गई और वहां वहां आध्या भी है। और जब वो उधर पूजा कर रही होती है, पहले तो रंगोली से आध्या की पिक्चर बनाती है, मतलब एक इमेज बनाती है। जब आध्या आ रही होती है तो वो देखती है अपनी इमेज, उसका एक्चुअली पाँव उस पर पड़ता है और वो अपनी ही पिक्चर देख के भाग के जा रही होती है। तो वहां देखती है कि अनुपमा पूजा कर रही है और अनुपमा की भी नजर उस तरफ जाती है, पर आंख के शोले से उसे क्लियर पिक्चर नहीं दिखती है और वो उठ के जाने लगती है तो उसका पोता उसे रोक लेता है। तो एनीवेज, इस पे बात करते हैं। बताइए मनीषा जी, आपको क्या लगता है, अनुपमा ने अपनी बच्ची को देख लिया है? क्योंकि कहीं ऐसा लग रहा है कि आध्या ने देख लिया है, she saw the person who is doing the puja, but अनुपमा का अभी भी क्वेश्चन मार्क है, what do you think happened? बिल्कुल ऐसा ही लगा, जैसे होता है ना, समटाइम आपको एकदम लगा, वो एकदम उसको लगा कि वो है, लेकिन जब उठी वो वहां नहीं थी। तो समटाइम होता है ना, फिर ऐसा लगता है कि शायद ये हमारी ऐसी सोच ही है, हमें ऐसा दिखा ही है, क्योंकि वो उसके उसको ढूंढ रही है, उसको उसके लिए आई है वहां वो पूजा करने, क्योंकि वहां वो पूजा करेगी तो उसको आध्या मिल सकती है, ऐसी सोच से वो आई है। तो मुझे भी ये लगता है कि उसको तो क्लियर दिखी है आध्या को अनुपमा, लेकिन अनुपमा को एक एक क्योंकि शोले की वजह से ना, उसको ये हो सकता है कि शायद ये मेरा भरम था, क्योंकि वो जब दूसरी नजर मारती तो वो वहां नहीं होती है। तो ऐसा हो सकता है कि उसको ये लगे, लेकिन आध्या की तरफ से क्लियर है और आध्या तो भागी रही है वो तो अनुपमा से। तो एनीवेज, आप क्या बोलोगे? मुझे तो पता है ये नया जो है ना, ये थोड़ा रिफ्रेशिंग सा, बहुत अच्छा सा लग रहा है देखने में, मजा आ रहा है। आप क्या बोलोगे इसके लिए? फर्स्टली मैं आपसे बहुत एग्री करती हूँ कि यस, बहुत फ्रेश लग रहा है स्टोरी में, एक लग रहा है कि समथिंग हैज शिफ्टेड, एक गियर शिफ्ट होना बोलते हैं ना, वैसा दिख रहा है। एंड यस, मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं आध्या ने तो देख लिया है, फर्स्टली शी सॉ द इमेज, उसी से वो शॉक्ड हो गई है, क्योंकि किसने बनाया है ना उसकी, और वो भी अभी की नहीं, बचपन की, तो उसी से वो घबरा जाती है। फिर उन्होंने देखा कि वहां पे अनुपमा बैठ के पूजा कर रही है, मुझे भी लगता है कि उन्होंने अनुपमा को देख लिया, बट अनुपमा ने अपनी छोटी को नहीं देखा, उनको लगा जरूर कि वहां पे उनकी छोटी गड़ी है, बट द इमेज वॉज नॉट क्लियर। एक तो जैसे आपने कहा, बिकॉज ऑफ द फायर का जो सिलाउट होता है ना, उसकी वजह से, और फिर सब लोग उनको थोड़ा यू नो ऐसे हाइपर देख के सब उनके ऊपर ही बोलते हैं ना, क्या हुआ नूडी, बैठ जाओ, ये कोई नहीं है, ऐसे ऐसे करके उनको थोड़ा शांत किया वहां पे, तो दोबारा देखने से उनको वहां पे कोई नजर नहीं आया। सो देखते हैं क्या होने वाला है। वैसे तो शी हैज कम विद दी विश्वास की यू नो वहां पे प्रार्थना करने से उनको उनकी बेटी मिल जाएगी, तो देखते हैं कि उनका विश्वास इतना जीतता है या फिर आध्या की जिद जीती है कि उसका जो गलत फहमी है जिसकी वजह से वो भागी थी घर से और अभी तक वो जिद वो पकड़ के बैठी है कि मेरे पेरेंट्स को मेरे दे डोंट वांट मी, सो आई डोंट हैव एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, क्या जीतता है देखते हैं। बिल्कुल, देखते हैं अनुपमा की जीत होती है कि आध्या की जीत होती है। हम तो चाहते हैं अनुपमा की ही जीत हो, जाहिर सी बात है, क्योंकि वो गलत फहमी में जी रही है आध्या, और अगर वो अनुपमा से मिलेगी, बात क्लियर होगी तो ज्यादा अच्छा होगा। पर मजेदार तो था। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें अनुपमा ऑन स्टार प्लस। Take care. Bye-bye. Hi, this is Falaknath and you guys are watching me on Glitz Vision USA.